हेलो एवरी वन वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम दिस इज लीशा एंड टुडे इन दिस सेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि जो हमारा सी एस आई आर नेट का एग्जाम है फिजिक्स का फिजिकल साइंसिस का उसमें जो पार्ट भी रहता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं तो आज का सेशन हमारा पार्ट बी के ऊपर फोकस करेगा देखो जो हम सबको पता है कि जो हमारा नेट का सी एस आई या नेट का एग्जाम है बेसिकली उसमें तीन पार्ट्स होते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वैसे आई थिंक आप सबको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी बट नहीं है तो आपको अभी इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि देखिए जो हमारा सी एस आई आर नेट का एग्जाम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी वेयर पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ थर्टी क्वेश्चन पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ सॉरी पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एंड पार्ट सी में हमारे पास थर्टी क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं पार्ट ए में हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने होते हैं पंद्रह जो हमारा पार्ट बी है उसमें हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं ट्वेंटी और जो हमारा पार्ट सी है उसमें हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ थर्टी ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ पे बीस में से पंद्रह क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पच्चीस में से बीस और यहाँ तीस में से पच्चीस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इन टोटल हमें यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहती है पार्ट ए में वो रहती है ज़ीरो पॉइंट फाइव की यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है माइनस कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव वेरज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो वन पॉइंट टू फाइव की रहेगी तो पार्ट सी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो मैक्सिमम होती है और जो पार्ट सी होता है वो एक्चुअली जो होता है वो एडवांस्ड फिजिक्स होती है वहाँ पे पार्ट ए e में तो जो आपका जनरल टेस्ट होता है वो आता है पार्ट बी में यहाँ कोर फिजिक्स आती है आपकी और यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं जिस भी बच्चे के बेसिक्स क्लियर है एम के मास्टर्स के वो बच्चा पार्ट बी में मैक्सिमम स्कोर कर सकता है जबकि जो पार्ट सी होता है वो एडवांस्ड होता है ठीक है यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो हाई होता है प्लस यहाँ पे हमारा अगर हम पार्ट सी में स्कोर करना चाहते हैं हमारे ट्रिक्स हमारा कैलकुलेटिव पार्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर दिस मच इन पार्ट सी कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कम हो और हम अपने एग्जाम को क्या कर लें क्लियर कर लें अभी देखो जो पार्ट ए है वो तो बेसिक सा रहता है जर्नल टेस्ट जैसा रहता है जो पार्ट बी है पार्ट बी में ऐसा क्या खास होता है पार्ट बी एक तो कॉन्सेप्ट बेस होता है बेसिक क्लियरिटी अगर आपकी एमएससी .E. सब्जेक्ट के ऊपर है आपके आ, आप पेपर दे रहे हो फिज़िक्स का आपके मिस्ट्री का मैथ्स का अगर आपकी बेसिक क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप पार्ट बी में मैक्सिमम स्कोर बहुत आराम से कर सकते हो ये थोड़ा सा ईजी रहता है थोड़ा सा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू द पार्ट सी पार्ट ठीक है जो हमारा पार्ट बी होता है ना पार्ट बी में छह सब्जेक्ट लिस्टेड हैं अगर आप सी एस आई आर नेट का सिलेबस ओपन करोगे सी एस आई आर के साइट पे जाके तो आप देखोगे जो हमारा पार्ट बी है वहाँ पे टोटल सिक्स सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं वो अभी सब्जेक्ट्स में आपको दिखाऊंगी भी कौन कौन से और उनका क्या क्या सिलेबस है प्लस उसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आई विल बी टेलिंग यू इन दिस सेशन ओनली राइट तो यहाँ पे देखो अगर आपका पार्ट बी आपने बहुत अच्छे से कर लिया ठीक है इसमें देखो एक तो हमें प्लस पॉइंट मिलता है क्या प्लस पॉइंट है हमारा पहला हमारा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हो रहा तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है वैल्यू चेंज करके तो अगर आपकी प्रीवियस ईयर पे भी कमांड अच्छी है ना तो भी आप पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेटिव पावर प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ये आपको पार्ट बी क्लियर करवा देगी ये क्या करवा देगी पार्ट बी को क्लियर करवा देगी ठीक है तो पार्ट बी को जब भी करना है पार्ट बी के सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि हम यहां गलती नहीं करेंगे कि अगर हमारा पार्ट सी हमें नहीं भी आता ना तो भी हम इस एग्जाम को क्या करेंगे क्लियर करेंगे ठीक है चलो अभी देखो जो हमारा पार्ट बी है वो कोर है है ना इसमें सिक्स लिस्टेड हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये सिलेबस है जो लिस्टेड है अगर तो आपको साइट से मिल जाता है वेरी गुड नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीन ले सकते हैं है ना ये सब्जेक्ट लिस्टेड है और ये ये टॉपिक्स हैं उसमें और इसमें भी जो आपको सबसे अच्छे से करना है एक तो ओप एम्प एंड इट्स एप्लीकेशंस ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है और सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे क्लियर अब इसमें भी देखिए ये जो एरर्स है clear? यहां पे देखिए, ये जो हैं, है ना ये पॉइंट ये अच्छे से कर लेंगे या फिर ये जो हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं यहां से आप पार्ट बी में स्कोर कर जाओगे मैं ऐसे नहीं कह रही कि बाकी से क्वेश्चन नहीं आ सकता ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है तो जब हम लास्ट में अपनी रिविजन करते हैं ना तो रिविजन के टाइम पे इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि यहां से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्वांटम मकैनिक्स क्वांटम मकैनिक्स से जनरली हमें फोबिया रहता है बट मैं आपको बताऊं सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीवियस ईयर करो अच्छे से यू विल स्कोर गुड इन क्वांटम मकैनिक्स ठीक प्रीवियस ईयर पे अगर कमांड अच्छी है ना यू विल स्कोर फॉर श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड इन क्वांटम मैकेनिक्स राइट इसमें देखो एक तो पर्टरबेशन थ्योरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है जरूर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है प्लस हारमोनिक ऑसिलेटर हाइड्रोजन एटम डब्ल्यूकेबी प्रिंसिपल ठीक है पार्टिकल इन अ बॉक्स राइट और जैसे आइडेंटिकल पार्टिकल टनलिंग थ्रू बैरियर ये छोटे छोटे और जो यहां पे एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रहता है एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये वाले पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लास्ट में जब हम करेंगे ना तो इनको नहीं छोड़ेंगे और इन टॉपिक्स को जब भी हम करेंगे तो बहुत अच्छे इन, इन से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स दो सब्जेक्ट्स हो गए हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड सेकंड वाज क्वांटम मैकेनिक्स नाउ थर्ड सब्जेक्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स तो आई आई फील एवरी चाइल्ड फील्स कि ये बहुत स्कोरिंग और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, है ना क्योंकि यहां से रिलेटेड लेग्रांजियन से रिलेटेड क्वेश्चन हैमिल्टोनियन स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार रिपीट होता है स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है और यहां पे हमारे पास स्पेस पेस डायनामिक्स एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं प्लस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कॉन्सेप्ट्स अगेन आई एम रिपीटिंग आई एम नॉट सेइंग द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट दे आर बट जो यहां पे मैं आपको अलग से बता रही हूं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होता है थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स अगेन यहाँ पे हमारे पास इंसैम्पल थ्योरी हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एनसैम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज योर पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना ग्रैंड कनोनिकल एनसैम्पल ये सब हमारे क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट राइट बोज आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स फर्मी डारैक्स स्टेटिस्टिक्स और यहाँ पे हमारे पास देखिए मैक्सुअल रिलेशन केमिकल बोटेंशियल फेज इक्विलिब्रिया है ना दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्यूरी देखो जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्यूरी होती है ना ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज़्यादा होती है प्लस मैक्सिमम टाइम्स बच्चों से इसका क्वेश्चन जो है वो पेपर में सॉल्व नहीं होता है है ना तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को क्योंकि ई एम थ्योरी का हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुले शुरू से लेके एंड तक करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे एंड में कोई ऐसी ट्रिक लग जाती है और फिर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर पाता तो यहाँ पे आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कोई भी क्वेश्चन आपने जब सॉल्व करना है तो उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है ऐसे नहीं कि हाँ हो जाएगा पेपर में देख लेंगे पेपर में देख लेंगे तो फिर देख लेंगे ही होता है फिर वो सॉल्व नहीं होता है सो दिस थिंग यू की यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व इट कम्प्लीटली राइट कि ऑप्शन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है सो हियर हमें जो चीजें करनी है एक तो ये बायोट्स वोट लो एम्पियर्स थियोरम गोस लो इसकी एप्लीकेशन डाई इलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स राइट एंड डीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लैपलेस पॉइजन सो आर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड लास्ट इज मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स तो बहुत ईजी रहता है है ना और इसमें जो जनरली क्वेश्चन कोची ची थ्योरम का तो आना ही आना होता है ना जॉर्डन लेमा हो जाए बेसिकली या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जॉर्डन लेमा हो जाए है ना और डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ये जो स्पेशल फंक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड द ग्रीन्स फंक्शन ग्रीन फंक्शन का तो क्वेश्चन आता ही आता है ये आपका पांच नंबर वाले में भी आता है मतलब पार्ट सी में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है तो ग्रीन फंक्शन तो आपको डबल स्टार कर लेना चाहिए एंड बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ना है ग्रीन फंक्शन को ठीक है और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है देखिए फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये ईजी भी होते हैं प्लस यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे क्या होने चाहिए क्लियर होने चाहिए जैसे टेलर्स थ्योरम भी है एक है ना टेलर्स थ्योरम लॉरेंट सीरीज ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं हमारे आ, इस उसमें सो so, ये जो छह सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं होपफुली आपको पता लगा होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आने हैं मैं बार बार बोल रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एम एस की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस दूसरा हमारे थोड़ी सी कैलकुलेटिव पावर जो होने चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए है ना प्रीवियस ईयर को को uh, हमें अच्छे से सॉल्व करना है पार्ट बी को अच्छे से क्रैक करने के लिए है ना तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पार्ट बी जो है वो बहुत इजीली हमारा क्रैक हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द पार्ट सी विच इज़ लिटिल डिफिकल्ट एडवांस्ड एंड कैलकुलेटिव राइट सो थैंक यू सो मच